जम्मू शहर के 6 क्षेत्र बने माइक्रो कंटेनमेंट जोन। जिला जम्मू में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण दर को देखते हुए जिला प्रशासन ने वीरवार को 6 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं और इसके साथ ही प्रशासन ने धारा 144 लागू कर पाबंदियां लगा दी हैं। वहीं नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 5 माह बाद एक साथ 6 ऐसे जोन बनाए गए हैं जिनमें पूरी तरह से लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में रूपनगर, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन, छन्नी हिम्मत, शांत नगर जानीपुर और आमफला शामिल है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उन क्षेत्रों में लोगों की लार्ज स्केल में टेस्टिंग होनी चाहिए और लोगों को भी अब जागरूक हो जाना चाहिए ताकि तीसरी लहर हम पर हावी ना हो सके। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 6 जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उसके चलते करनगर में वार्ड नंबर 9 के अंदर ये जो आमफला में हमारा जेके बैंक था इसके सराउंडिंग में इनर रूरल एरिया जो भी है उसको भी उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है। पर अभी तक स्टिल मुझे लगता है कि शायद बैंक तो बंद हो गया है, लेकिन आगे पीछे का जो एरिया है मुझे लगता है इनका सैम्पलिंग होनी चाहिए और टेस्टिंग होनी चाहिए, लार्ज स्केल पर होनी चाहिए ताकि इनके टच में या इनके कौन कौन से लोग कॉन्टैक्ट में हैं वो सारे भी अपने आप को घर पर सेफ करें। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि एक इंडिकेशन है जम्मू के लिए, अभी भी टाइम है, कृपा करके जो भी कोविड के सेंटर से आदेश आ रहे हैं उनको पूर्ण फॉलो कीजिए अगर बचना है तो, नहीं तो थर्ड वेव जिस तरह से बाहर की कंट्रियों में देखने को मिल रहा है बहुत जल्द जम्मू के अंदर अगर ये स्पाइक पकड़ लिया तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि मास्क पहन के रखिए और जितने भी आदेश आ रहे हैं सेंटर से प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आम जो पब्लिक है हमारी, जो हमारे जो लोग हैं जहाँ के जम्मू के, इनको एक तो ये जो अपने नियम SOP इसका पालन करना चाहिए। सबसे पहले इनको मास्क लगाना चाहिए, 6 गज की दूरी रखनी चाहिए और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए और कभी भी भीड़ भाड़ जगह पर मत जाओ क्योंकि अभी कोविड की जो तीसरी लहर है ये शुरू हो गई है और जम्मू में बहुत से केस आ रहे हैं। मेरी सबसे यही अनुरोध है कि अपने आप को बचाओ और कोविड से छुटकारा पाओ। निसंदेह हम सबको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए ताकि और अधिक जम्मू क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत ना पड़े। और इसी बीच में जिला मजिस्ट्रेट जम्मू अंशुल गर्ग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आपात सेवाओं को छोड़कर किसी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। इन क्षेत्रों में धारा 144 सेक्शन के तहत सामान्य गतिविधियां बंद रखी जाएंगी। संबंधित जोन में 100% कोविड परीक्षण किया जाएगा और इसके लिए मना करने वालों के खिलाफ FIR का प्रावधान होगा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जगह जगह मोबाइल टीमें लोगों पर नजर रखेंगी।